18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इसके अलावा 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से प्रारंभ होगा। इस दौरान नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने बुधवार को बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा, जिसमें नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। सत्र के पहले 3 दिन नव निर्वाचित नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगे। देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी, भले ही एक सांसद एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद इसको अच्छा से चलाएं।